तो मित्रों नमस्कार दोस्तों, आज हम दोस्तों दिल्ली वर्सेज मुंबई के इस महा मुकाबले में दोस्तों ज्योतिष आंकड़े के द्वारा बताएंगे कि किस खिलाड़ी का दोस्तों किस तरह का साया चल रहा है, किस खिलाड़ी को आपको लेकर के चलना है। ज्योतिष आंकड़े द्वारा बताएंगे कि किस विकेट कीपर का अच्छी राशि है और किस बैट्समैन को लेकर के चलना है, किसको ऑलराउंडर में किसको लेकर चलना है और बॉलिंग सेक्शन पर किसको लेना है। उसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, एक बार उद्घोष कर देना है दोस्तों, किसका उद्घोष करना है दोस्तों, बागेश्वर धाम बाबा का उद्घोष करना है, क्योंकि दोस्तों इनके दोस्तों हम बहुत बड़े पुजारी हो दोस्तों, इन्हीं की मर्जी से दोस्तों हम काम करते हैं और इन्हीं से दोस्तों आशीर्वाद लेते हैं और दोस्तों आपको टीम देते हैं और दोस्तों इनके हम बहुत ही पक्के दोस्तों पुजारी हैं और दोस्तों इनके चेला हैं। दोस्तों यहां पर शाम सुबह डेली जाकर के अर्जी लगाते हैं इनके दरबार में और फिर उसके बाद दोस्तों हम आपको टीम प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों आप लोग एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों बागेश्वर धाम की जय, जय बालाजी सरकार की जय, जय बजरंग बली भगवान की जय, दोस्तों पूरे दोस्तों संपूर्ण दोस्तों ब्रह्मांड की जय। दोस्तों आप लोग बागेश्वर धाम को लेकर के गाएंगे दोस्तों, आज ज्योतिष आंकड़े के द्वारा हम आपको बताएंगे आप लोगों को किस बल्लेबाज को लेकर के चलना है, किस विकेट कीपर को लेकर के चलना है और उसके बाद दोस्तों राशि के अनुसार हम आपको दोस्तों एक एक दोस्तों खिलाड़ियों की राशि बताएंगे, नक्षत्र बताएंगे, राशि बताएंगे, गण बताएंगे, संपूर्ण जानकारी आपको हम प्रदान करने वाले हैं ज्योतिष आंकड़े के द्वारा। दोस्तों आप लोग वीडियो को स्किप न करना दोस्तों, आज एक एक दोस्तों खिलाड़ी की बात करने वाले। अगर दोस्तों आप लोग लाखों करोड़ों रुपए दोस्तों कमाना चाहते हैं दोस्तों, लाखों करोड़ों रुपए विन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों को ज्योतिष आंकड़े के इस दोस्तों आंकड़े को समझना पड़ेगा। और चलते हैं देरी न करते हुए दोस्तों आप लोगों को बताते हैं आज दोस्तों राशि के अनुसार आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों और चलते हैं दोस्तों एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, किसी भी कार्य को करने से पहले हम एक बार उद्घोष कर देते हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना अपना नाम लिख दीजिए दोस्तों, आपकी भी अर्जी हम दोस्तों बागेश्वर धाम में लगा देंगे। दोस्तों अपना अपना नाम दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा दोस्तों प्यारे साथियों। और दोस्तों हम आपको बताते हैं दोस्तों हम आपकी भी अर्जी दोस्तों यहां पर लगाएंगे, बाकी धाम सरकार पर लगाने वाले हैं दोस्तों। और चलते हैं दोस्तों आपको बताते हैं ये दिल्ली वर्सेस एमआई का महा मुकाबला है दोस्तों। एमआई दोस्तों जीत के लिए दोस्तों अब दरबार पर जा चुकी है, हार्दिक पांड्या दोस्तों वीर दोस्तों गुजरात की दोस्तों टेम्पल पर दोस्तों नतमस्तक हो चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी दोस्तों भगवान से दुआ करते हैं दोस्तों, दुआ अर्चना करते हैं, तो हम भी दोस्तों आज दोस्तों बागेश्वर धाम से दोस्तों आप लोगों को बताते हैं आज किस दोस्तों खिलाड़ी का दोस्तों अच्छा शुभ योग चल रहा है, कौन खिलाड़ी किस क्या करने वाला है दोस्तों, मिनी ग्रैंड लीग में किन खिलाड़ियों को लेकर के चलना है और मेगा ग्रैंड लीग में किन खिलाड़ी को लेकर चलना है, संपूर्ण जानकारी आपको आज ज्योतिष आंकड़े के द्वारा मिलने वाली है दोस्तों। क्योंकि प्रत्येक बार दोस्तों हमारे ज्योतिष आंकड़े के सितारे दोस्तों बहुत ही ज्यादा दोस्तों यहाँ पर ड्रीम टीम पर आते हैं, पिछले मैच के दोस्तों आप लोगों को पहली जानकारी देते हैं दोस्तों, जो कल मैच हुआ है दोस्तों उसकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं दोस्तों। यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं विजेता टीम दोस्तों, यहां पर एसआरएच वर्सेस चेन्नई का महा मुकाबला हुआ, आप लोगों ने देखा ड्रीम टीम पे दोस्तों हमारे ही खिलाड़ी ज्यादातर आए, एडन मार्कर को दोस्तों ज्योतिष आंकड़े के द्वारा हमने एडन मार्कर को कप्तान बनाया था, आप लोग देख सकते हैं वो डीटी पर कप्तान बनते दिखे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मेघराज के जातक थे इन्हें दोस्तों हमें कप्तान बनाया था, मोइन अली सिंह राज के जातक था जिन्हें हमने वाइस कैप्टन बनाया था और दोस्तों यहां से हमने लाखों रुपए विन किया दोस्तों, आप लोग क्यों नहीं कर रहे दोस्तों, आप लोग भी ज्योतिष आंकड़े को अगर मान रहे हैं तो दोस्तों 100% दोस्तों आप लोग भी विन कर जाएंगे। ज्योतिष आंकड़े के द्वारा हम दोस्तों आप लोगों को पूरी टीम दी थी और हमारी टीम दोस्तों यहां पर डीटी पर आई और हमने 2 करोड़ रुपए भी जीते, आप लोग दोस्तों प्रूफ के साथ हम आपको दिखाएंगे। आप लोग दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपको प्रूफ देखना है तो टेलीग्राम चैनल जाकर के ज्वाइन कर लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर देंगे। अगर दोस्तों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पर नहीं मिल रही है तो दोस्तों आप चैनल के अबाउट सेक्शन पर जा सकते हैं, वहां पर भी दोस्तों हमारी दोस्तों टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों वहां पर हम आपको टीम भी प्रोवाइड करते हैं, वहां से दोस्तों आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों प्रत्येक दिन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, किसी भी मैच में आप लोग देख सकते हैं जहां पर दोस्तों देवी देवताओं की साया होती है वहीं पर दोस्तों लोग दोस्तों ग्रैंड लीग जीत रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं जिस भी भाइयों ने दोस्तों डीपी दोस्तों हनुमान जी भगवान की डीपी लगाए हैं, बागेश्वर धाम की डीपी लगाए वही दोस्तों आगे बढ़े दोस्तों। यही मैच से नहीं और दोस्तों हम आपको दिखा सकते हैं दोस्तों, और बार को दिखा सकते हैं दोस्तों, और दोस्तों जो टीमें आई हैं दोस्तों उनके भी बारे में दिखा सकते हैं दोस्तों। यहां पर डीसी वर्सेस केकेआर के मैच में भी देख लीजिए दोस्तों, डीसी वर्सेस केकेआर के मैच में भी देख लीजिएगा दोस्तों, जिन भाइयों ने दोस्तों यहां पर डीपी लगाया है, ईश्वर पर दोस्तों हेल्प किया, ईश्वर से दोस्तों दुआ ली है दोस्तों, वही डीटी पर आए, आप लोग देख सकते हैं पूरी तरह से हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, लंबे लंबे दूरी तक दिखाएंगे। देखिएगा दोस्तों आप लोग दोस्तों नहीं मानते दोस्तों ज्योतिष आंकड़े के, दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों किस प्रकार से ज्योतिष आंकड़े को मानने वाले दोस्तों, ईश्वर को मानने वाले दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं।
कोई कोई लोग तो दोस्तों लोग कमेंट में करते हैं ये दोस्तों ड्रामा है, ड्रामा नहीं दोस्तों, जो लोग दोस्तों ईश्वर की मर्जी के बिना दोस्तों हम कहते पत्ता भी नहीं हिलता हमारी और आपकी क्या औकात है दोस्तों, पत्ता भी नहीं हिलता दोस्तों ईश्वर की मर्जी के बिना। तो आओ चलते हैं दोस्तों मुंबई वर्सेस डीसी के मुकाबले में, ज्योतिष आंकड़े के द्वारा आपको हम पूरी जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं। और चलते हैं दोस्तों सबसे पहले हम विकेट कीपर सेक्शन पर देखते हैं कि किसका दोस्तों किस दोस्तों राज्य का दोस्तों आंकड़ा चलने वाला है, कौन से खिलाड़ी दोस्तों यहां पर ज्योतिष आंकड़े के सितारे बनने वाले, तो संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली। तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए मैच कहां होने वाला है। तो दोस्तों गुरु आंकड़े दिखाएंगे दोस्तों, संपूर्ण जानकारी देंगे। देखिएगा दोस्तों ज्योतिष आंकड़े के अनुसार ऋषभ पंत का दोस्तों बहुत ही अच्छा दिन आने वाला है, क्योंकि ऋषभ पंत ने दोस्तों अभी तक देखिएगा दोस्तों पिछले चार मुकाबले में 75% डीटी पर आए दोस्तों, चार मुकाबले डीसी खेल चुके हैं जहां 75% दोस्तों डीटी पर दोस्तों ऋषभ पंत आए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों इनका औसत देखिएगा 67.5 का दोस्तों। ऋषभ पंत आप लोग जानते होंगे तुला राशि के जातक है, दोस्तों इनका चित्रा नक्षत्र है बुध और शुक्र दूसरे नंबर पर विराजमान है दोस्तों। अगर दोस्तों ये सेकंड पारी पारी डीसी खेलते हैं तो 100% दोस्तों सफलता प्राप्त होने वाली, सेकंड पारी में ऋषभ पंत का बहुत अच्छा सुंदर योग बन रहा है। ईशान किशन की बात कर लेते हैं ईशान किशन का भी शुभ योग चल रहा है दोस्तों। ईशान किशन को आप लोग जानते होंगे लाजवाब खिलाड़ी है, बहुत ही सुंदर दोस्तों विकेट कीपर लाजवाब बल्लेबाज है दोस्तों। आप लोगों को बता रहे दोस्तों ईशान किशन को लेकर के 100% जाना है, ईशान किशन के विषय में आप लोग जानकारी कर सकते हैं। तीन मैच खेले दोस्तों एक बार डीटी पर आए, बहुत सुंदर दोस्तों खिलाड़ी इस दिन दोस्तों आपका शुभ योग बन रहा है। अगर दोस्तों मुंबई पहले बैटिंग करती है तो ईशान किशन लंबे लंबे चौके और छक्के मारने से दोस्तों नहीं चुकेंगे। एसआरएच के खिलाफ दोस्तों मुंबई की दोस्तों ईशान किशन के बल्ले को आपने देखा होगा दोस्तों, लंबे लंबे छक्के मारते दिखे थे दोस्तों ईशान किशन। तो दोस्तों आप लोगों को पूरी जानकारी आप लोगों को प्रदान की जा रही है दोस्तों, पूरी तरह से ईशान किशन को भी लेकर के चला। दोनों दोस्तों हमारे विकेट कीपर बहुत ही लाजवाब है, वो दोनों का दोस्तों अच्छा दिन है दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल लेकर के चलना दोस्तों। शुभ योग है, इनकी राशि बहुत अच्छी चमक रही है, ग्रह तारे दोस्तों ग्रीन जोन पर जा रहे हैं दोस्तों, इनको लेकर के चलना दोस्तों। हमने दोस्तों विकेट कीपर की बात कर चुके हैं दोस्तों, अब यहां पर देख लेते हैं विकेट कीपर के। तो दोस्तों हमारे पास दोस्तों मेन दो विकेट कीपर निकल कर आ रहे हैं, कितने विकेट कीपर निकल के आ रहे हैं हमारे पास, दो विकेट कीपर निकल के आ रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, दो विकेट कीपर, हमें किसको लेकर के चलना है किसको नहीं लेकर चलना। तो दोस्तों यहां पर ऋषभ पंत और आई किशन दोनों ही विकेट लाजवाब है, दोनों विकेट पर दोस्तों यहां पर इनका दोस्तों राशि दोस्तों अच्छी है, तुला राशि और दोस्तों यहां पर एक राशि के जातक है, और दोनों विकेट कीपर आने वाले कहां दोस्तों ग्रैंड लीग पर आने वाले। तो चाहिए फटाफट दोस्तों आप लोग दोनों विकेट कीपर को लेकर के जा सकते हैं दोस्तों, बहुत ही शुभ योग चल रहा दोस्तों दोनों विकेट कीपर का। अब दोस्तों हम विकेट कीपर की बात कर चुके हैं दोस्तों, विकेट कीपर की बात पूरी तरह से आपके सामने बिल्कुल कर चुके हैं। अब बात आती है दोस्तों, देखते हैं कि किस खिलाड़ी का दोस्तों यहां पर दोस्तों तारे चमक रहे हैं बैटिंग जोन पर, बैटिंग जोन पर दोस्तों किस खिलाड़ी के तारे चमक रहे हैं, कौन स्टार पर जा रहा है दोस्तों, कौन ग्रीन जोन पर जा रहा है, किस खिलाड़ी के कौले अक्षरों से नाम लिख दिए गए दोस्तों, सभी की जानकारी आपको ज्योतिष आंकड़े के माध्यम से दी जाएगी। इसके पहले दोस्तों हम किसी भी कार्य को करने से पहले तो विकेट कीपिंग सेक्शन को बता चुके हैं, बैटिंग सेक्शन पर जाते तो और देखते एक बार प्रेम से बोलिए जयकारा लगा दीजिए बागेश्वर धाम सरकार की, और बिना दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार के दोस्तों मर्जी के बिना दोस्तों हम आए कदम भी नहीं बढ़ते, इसलिए दोस्तों हम बार बार कहते हैं आप लोग बागेश्वर धाम सरकार की जयकारा लगाते रहेंगे, 100% दोस्तों आप जीत हासिल करते रहेंगे, ये दोस्तों हमारी दोस्तों दुआ है आप लोगों के साथ। अगर बागेश्वर धाम की मर्जी के बिना दोस्तों पत्ता नहीं हिलता तो दोस्तों हम और आप क्या कर सकते हैं। तो डेविड वार्नर को देख लीजिएगा दोस्तों, डेविड वार्नर को हम दिखाते हैं किस राज के जातक है, आप लोगों को पूरी तरह से दोस्तों संतुष्ट करते हैं कि डेविड वार्नर आखिर किस राज के जातक है। तो दोस्तों डेविड वार्नर दोस्तों यहां पर दोस्तों आप लोगों को बताते हैं कर्क राज के दोस्तों जातक है डेविड वार्नर, दोस्तों किस राज के जातक है डेविड वार्नर, कर्क राज के जातक है, हम आप लोगों को पूरी तरह से बता रहे हैं दोस्तों डेविड वार्नर किस राज के जातक है, कर्क राज के जातक है दोस्तों डेविड वार्नर, और कर्क राज का बहुत ही अच्छा शुभ योग चल रहा है दोस्तों, डेविड वार्नर को लेकर के जाना 100% आपको सफलता देने वाले डेविड वार्नर दोस्तों कर्क राज के जातक है, हम आपको पूरी तरह से बता रहे हैं। अब यार बात आती है दोस्तों यहां पर बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी दोस्तों सूर्य कुमार यादव और दोस्तों रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं, तो रोहित शर्मा को दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, पहले डेविड वार्नर का देख लेते हैं दोस्तों, डेविड वार्नर का क्या दोस्तों योग है और कितने मैच में क्या किया, इन्होंने चार मैच डेविड वार्नर भी खेले आप लोग देख सकते हैं, 75% डीटी पर आए, चार मैच खेले हैं दोस्तों, औसत पॉइंट 60.25 का, 75% डीटी पर आए आप लोग देख सकते हैं, चार मैच खेले 75% डीटी पर आए दोस्तों डेविड वार्नर, बहुत ही सुंदर खिलाड़ी बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी दोस्तों डेविड वार्नर, आप लोग बिल्कुल से अच्छी तरह से देख सकते हो, और अच्छा दिन है कर्क राशि के जातक है, और दोस्तों अगर सेकंड पारी डीसी खेलने को मिलता है तो दोस्तों बहुत ही अच्छा योग डेविड वार्नर का बनता दिखाई दे रहा है ज्योतिष आंकड़े के द्वारा। ज्योतिष आंकड़े के द्वारा हम दोस्तों आप चलते हैं रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं, रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं, तो रोहित शर्मा दोस्तों तुला राशि के जातक है दोस्तों, एक बार दोस्तों बहुत ही अच्छा इनका बल्ला बोला था, दो मैच में दोस्तों फ्लॉप रहे और दो तीन बार दोस्तों मुंबई हार चुकी है, एक बार दोस्तों ऐसा लग रहा है मुंबई जीत रही, पर रोहित बल्ला के आउट हो जाने के रोहित शर्मा के आउट हो जाने पर दोस्तों संपूर्ण पूरी तरह से दोस्तों फ्लॉप हो गया। तो रोहित शर्मा का आज बहुत ही अच्छा दिन चला है दोस्तों, ये मैच वन खेले स्टेडियम मुंबई पर होना है, जो पिच दोस्तों
बैटिंग के लिए बिल्कुल अनुकूल बताई रही है। औसत स्कोर भी 191 है दोस्तों, ये बहुत ही लाजवाब मैच होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर पेसर्स को मदद मिलेगी, तो रोहित शर्मा का बल्ला दोस्तों यहाँ पर बोल सकता है। तुला राशि के जातक चित्रा नक्षत्र बुध और शुक्र दूसरों दोनों विराजमान है। रोहित शर्मा दोस्तों आपको अगर फर्स्ट बैटिंग करती है दोस्तों मुंबई, तो रोहित शर्मा के बल्ले से दोस्तों अच्छे चौके और छक्के देखने को मिल सकते हैं। एक दोस्तों बहुत ही शुभ दोस्तों जानकारी आपको देने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही लाजवाब जानकारी है कि सूर्य कुमार यादव का पदार्पण दोस्तों मुंबई पर हो चुका है। दोस्तों मुंबई पर हो चुका, अभी तक कोई मैच नहीं खेला, तो मुंबई की आन बान शान दोस्तों रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले सूर्य कुमार यादव चौथे छक्के और चौके की बर्दाश्त करने वाले सूर्य कुमार यादव का पदार्पण हो चुका है। दोस्तों जो कुंभ राशि के जातक है दोस्तों, कुंभ राशि के जातक अभी तक दोस्तों इनका कोई यहां पर दोस्तों परफॉर्मेंस तो नहीं दिखता, पर दोस्तों बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, लंबे लंबे मध्यम क्रम के बहुत ही सुंदर बल्लेबाज है सूर्य कुमार यादव, तो इनको लेकर के बिल्कुल चलना है दोस्तों, इनको लेकर के बिल्कुल चलना है, लाजवाब खिलाड़ी है सूर्य कुमार यादव। पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव की बात कर चुके, तो दोस्तों यहाँ पर तिलक वर्मा की बात कर लेते और चलते तिलक वर्मा की बल्ले से भी दोस्तों यहाँ पर बहुत ही रन दोस्तों निकले आईपीएल 2024 में दोस्तों, तहलका मचा दिया तिलक वर्मा ने दोस्तों। ज्योतिष आंकड़े के द्वारा इनके सितारे दोस्तों बहुत ज्यादा चमक रहे हैं, आप लोग इनको लेकर के जाइए। एक बार फिर तिलक वर्मा के बल्ले से एक बार 50 निकलती दिख रही है दोस्तों, औसत पॉइंट देख ले 66 का, हर बार दोस्तों ये कुल मिलाकर के हर बार दोस्तों ड्यूटी पर आए हैं, लाजवाब दोस्तों लाजवाब खिलाड़ी है दोस्तों यहाँ पर, लाजवाब खिलाड़ी तिलक वर्मा। तिलक वर्मा के विषय में जानकारी करना बहुत ही लाजमी हो जाता है, तो आपको दोस्तों तिलक वर्मा को लेकर के चलना है दोस्तों, चाहे मुंबई पहले बैटिंग करती हो तो आप बॉलिंग करती हो, पर आप लोगों को तिलक वर्मा को लेकर के चलना ही पड़ेगा दोस्तों, 100% दोस्तों सफलता दिलाने वाले हैं ज्योतिष आंकड़े के द्वारा हम आपको बताते हैं दोस्तों। आप लोग फटाफट दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार की जय जयकार लगाते चलेंगे, और दोस्तों यहाँ पर और सूर्य कुमार यादव ज्योतिष वर्मा तिलक पृथ्वी शाह की बात कर लेते हैं दोस्तों, पृथ्वी शाह की बात करते हैं तो पृथ्वी शाह का क्या योग चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर 50% डीटी पर आए, दो मैच खेले दोस्तों और दोनों में पहले मैच में डीटी पर आए, दूसरे मैच में मात्र 24 पॉइंट बनाकर ये डीटी पर नहीं आ पाए दोस्तों। यहाँ पृथ्वी शाह की बात कर लेते हैं दोस्तों, पृथ्वी शाह की हमने पूरी तरह से जानकारी को पूरी तरह से यहाँ पर पृथ्वी शाह की बात किया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी है दोस्तों, बहुत ही सुंदर खिलाड़ी आप लोग देख सकते हैं, परंतु दोस्तों इनका शुभ योग दोस्तों इस मैच पर नहीं बन रहा, तो आप लोग पृथ्वी शाह को दोस्तों लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको पृथ्वी शाह को लेकर। अब बात आती है ट्रेविस हेड की दोस्तों, या टीम डेविड की बात कर लेते हैं, टीम डेविड की बात कर लेते हैं तो दोस्तों टीम डेविड का दोस्तों देखते हैं दोस्तों किस राज्य से दोस्तों बिलोंग करते हैं टीम डेविड, आप लोगों को बताते हैं दोस्तों। टीम डेविड की बात कर लेते हैं तो टा नाम के खिलाड़ी है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी टीम डेविड, जो दोस्तों सिंह राज के जातक है, आप लोगों को बता दें सिंह राज के जातक का 3 मैच खेले दोस्तों, यहां पर 3 मैच खेले आप लोग देख सकते हो, 66.67% का दोस्तों डीम टीम पर आए, 2 मैच पर डीट पर आए, औसत पॉइंट तकरीबन 40 के तकरीबन है दोस्तों, लंबे लंबे चौके और छक्के मारने के लिए दोस्तों विख्यात है, पर मुंबई अगर दोस्तों यहां पर सेकंड बैटिंग करती है तभी टीम डेविड के बल्ले से दोस्तों लंबे लंबे चौके देख सकते हैं, अन्यथा दोस्तों आप लोग अगर मुंबई फर्स्ट बैटिंग करती है तो टीम डेविड को ड्रॉप कर देना दोस्तों। सिंगराज के जातक और चित्रा नक्षत्र है वो दोस्तों बुध और शुक्र दोनों दूसरे नंबर विराजमान, नाड़ी इनका दोस्तों आज है, इसलिए दोस्तों आप लोग पहले ले सकते हैं। यहां पर टी स्टंप से एक बार दोस्तों आपको फिर चमकते हुए दिखाई देंगे दोस्तों, टी स्टंप से एक बार फिर चमकते हुए दिखाई देंगे, आप लोग टी स्टंप को लेना, 4 मैच में 2 बार डीटी पर आए, इस बार दोस्तों इनका डीटी पर आने का फिर दोस्तों मकसद नहीं बनता, परंतु आप लोग ट्विस्टन स्टंप्स को लेकर के जा सकते हैं दोस्तों, ये भी सिंह राज के जातक है, ट्विस्टन स्टंप्स को लेकर के जाएंगे तो डीटी पर आएंगे दोस्तों, बहुत ज्यादा दोस्तों कुछ करके नहीं देने वाले, पर डीटी पर आते हुए जरूर दिख रहे हैं ट्विस्टन स्टंप्स दोस्तों, आपको बता रहे हैं दोस्तों, बहुत ही दोस्तों आज बारीकी से आपको जानकारी मिल रही। अब ट्विस्टन स्टंप के बाद दोस्तों हम पूरी तरह से आप लोगों को जानकारी दे दिया है, अब यहां पर दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, किन किन खिलाड़ियों को लेकर के जाना है, किन को ड्रॉप करना है दोस्तों आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। यहां पर सूर्य कुमार यादव भी आपको लेकर के अपनी जाना, तिलक वर्मा को लेकर के जाना, यहां पर पृथ्वी शाह है दोस्तों, यहां पर टीम डेविड है दोस्तों, यहां पर हम दो टीम देखते हैं दोस्तों, यहां पर देखिएगा हमारे पास मेन दोस्तों बैट्समैन के रूप में कितने खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, हमारे पास 6 खिलाड़ी दोस्तों यहां पर बैट्समैन के रूप में दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही अच्छे, परंतु आप क्या 6 खिलाड़ी लेकर के ग्रैंड लीग जीत रहे हैं, बिल्कुल नहीं जीत रहे, 6 खिलाड़ी लेकर के आप लोग ग्रैंड लीग में नहीं जाएंगे, तो दोस्तों अगर किसका शुभ योग चल रहा है, किसके तारे चमक रहे हैं, कौन कौन खिलाड़ी ग्रीन जोन पर जा रहा है, कौन कौन खिलाड़ी रेड जोन पर जा रहा है, किसके अच्छा दोस्तों किसकी राह दोस्तों काले अक्षरों पर दोस्तों प्रवेश कर रहे हैं, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों बागेश्वर भाभा की प्रसाद से दोस्तों। तो आओ चलते हैं दोस्तों, आपको हम बताते हैं यहां पर आप लोगों को क्या करना है, एक बार रोहित शर्मा पर दोस्तों दांव आजमाना और अब दोस्तों रिस्क लेना है, रोहित शर्मा को लेकर के आप बिल्कुल जा सकते हैं दोस्तों, यहां पर रोहित शर्मा को लेकर के जा सकते हो सके तो दोस्तों डेविड वार्नर को ड्राफ्ट कर देना, डेविड वार्नर को ड्राफ्ट कर सकते हैं। एक बार दोस्तों सूर्य कुमार यादव को लेकर के जाइएगा, सूर्य कुमार यादव को लेकर चाहिए, तिलक वर्मा को दोस्तों आप ड्राफ्ट कर सकते हैं, तिलक वर्मा को इस बार ड्राफ्ट कर सकते हैं, तो 2 खिलाड़ी हो गए और टीम डेविड और पृथ्वी शाह, टीम डेविड को ले लीजिए,
तो आपके पास दोस्तों बैटिंग सेक्शन पर तीन खिलाड़ी हमने आपको बताया, तो बिल्कुल लेकर के जाना है दोस्तों, बिल्कुल लेकर के जाना है। तो दोस्तों आप लोगों को पूरी तरह से बनाया बैटिंग सेक्शन पर किन खिलाड़ियों का दोस्तों सुंदर योग चल रहा है, और दोस्तों इन खिलाड़ियों को लेकर के जाना ही जाना है। तो दोस्तों आप लोगों को बताया, पूरी जानकारी दी बैटिंग सेक्शन पर किन खिलाड़ियों को अच्छा योग चल रहा है। अगर दोस्तों एक टीम बना रहे तब, अगर मल्टीप्लेयर टीम बना रहे तो आप लोग दांव आजमा सकते हैं दोस्तों, पूरी तरह से आजमा सकते हैं अपने आप को, पूरी तरह से आजमा सकते हैं। आपके साथ दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन पर चलते हैं, ऑलराउंडर सेक्शन पर देख लेते हैं अगर किसका योग चला है दोस्तों। मार्च मिशेल मार्च की बात कर लेते हैं, तो मिशेल मार्च को आप जानते होंगे दोस्तों सिंह राज के जातक है, और दोस्तों इनका चित्रा नक्षत्र 25-25 डीटी पर है, औसत पॉइंट 28.5 का। इस बार दोस्तों इनका सितारे दोस्तों ग्रीन जोन पर जा रहे हैं, अतः मिशेल मार्च को लेकर के जा सकते हैं दोस्तों। इस बार इनका शुभ योग बन रहा है मिशेल मार्च का। तो दोस्तों आप लोग दोस्तों बागेश्वर धाम के दोस्तों आशीर्वाद से आप लोग इनको लेकर के बिल्कुल जाइए, आपका भी शुभ योग बन रहा है, मिशेल मार्च का भी शुभ योग बन रहा है। आप लोग डीटी पर दोस्तों बहुत कुछ करने वाले, आप लोग फटाफट इनको लेकर के जाएंगे। अब मिशेल मार्च के बाद दोस्तों एच पांडा की बात करते हैं, मिथुन राज के जातक है, आप लोग जानते हैं मिथुन राज के जातक है हार्दिक पांड्या। तो मिथुन राज के जातक का दोस्तों बहुत ही अच्छा योग तो नहीं बना, डीटी पर आएंगे, कप्तान कप्तान बनाने पर रिस्क नहीं लेना दोस्तों। इनका दोस्तों शुभ योग दोस्तों कप्तान कप्तान के लिए दोस्तों नहीं जाना। अगर दोस्तों मिनी ग्रैंड लीग आप लोग खेल रहे हैं, स्मॉल लीग पर जाना है, तो दोस्तों आप कप्तान कप्तान इन्हें बना सकते हैं। ग्रैंड लीग के लिए दोस्तों एक कप्तान कप्तान के तारे नहीं चमक रहे दोस्तों, आप लोग ज्योतिष आंकड़े के द्वारा हम बता रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को ऐसा नहीं करना दोस्तों, आप लोगों को ऐसा नहीं करना। हार्दिक पांड्या को टीम में ले सकते हैं, पर दोस्तों कप्तान कप्तान बनाना दोस्तों रिस्क से भरा रहेगा। अगर मल्टीप्लेयर टीम बना करके चलते तब बना सकते हैं। अक्षर पटेल को बताते हैं, अक्षर पटेल दोस्तों मेघ राज के जातक है, आप लोग जानते होंगे दोस्तों। स्वाति नक्षत्र दोस्तों ड्रीम टीम में 50% आए, 4 मैच खेले, पर दोस्तों एक बार फिर बता रहे हैं दोस्तों अक्षर पटेल का अच्छा दिन है, मेघ राशि वालों को दोस्तों अच्छा दिन है दोस्तों, आप लोग मेघ राशि के साथ जा सकते हैं, 100% आप सफलता पाएंगे। और दोस्तों इसके साथ दोस्तों खिलाड़ी का भी अच्छा योग चल रहा है, इस बार दोस्तों डीटी पर आने की पूरी संभावना अक्षर पटेल की दिख रही है दोस्तों। मेघ राशि के लोगों के दोस्तों ग्रीन जोन पर जा रहे हैं, और मेघ राशि का दोस्तों सूर्य भी चमक रहा है, और दोस्तों मकर राशि के जातक है दोस्तों, यहां पर मेघ राशि के जातक है, और जो चित्रा नक्षत्र है इसलिए दोस्तों आपको हम बता रहे हैं ये बात दोस्तों। आप लोगों को अक्षर पटेल के विषय में आप लोगों ने जानकारी की, और देखते हैं दोस्तों यहां पर एस कुमार है दोस्तों, एस कुमार को आप लोग जानते होंगे, एस कुमार भी बहुत अच्छे दोस्तों बैट्समैन है दोस्तों। आप लोगों को एस कुमार के विषय में हमने जानकारी दे लेते हैं, एस कुमार दोस्तों आप लोग जानते हैं कुंभ राज के जातक है, 3 मैच खेले अभी तक दोस्तों डीटी पर नहीं आए, पर दोस्तों कौन खिलाड़ी कब आ जाए, क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है दोस्तों, अगर एक से अधिक टीम बना रहे तो आप लोग इनको रिस्क के तौर पर ले सकते हैं, अगर एक से कम टीम बनाते तो बिल्कुल रिस्क ना लीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं दोस्तों। एक से अधिक टीम बनाते तभी इनको रिस्क लीजिए, अन्यथा कोई रिस्क मत लीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत होने वाली बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप लोगों को हमने बताया बहुत ही दोस्तों बारीकी से हम आपको जानकारी दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग बिल्कुल से दोस्तों बारीकी से जानकारी लेंगे दोस्तों, 100% आप लोग विन करने वाले। कुंभ राज के जातक है सत्विका नक्षत्र, अगर दोस्तों डीसी सेकंड बैटिंग करती है तभी सुमित कुमार को लेकर के जा सकते हैं, अंतर न लीजिए। एन धीर की बात कर लेते हैं, नमन धीर की बात कर ले, बहुत तावर तोड़ बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं, एक बार डीटी पर आए, पहले मैच पे डीटी पर आए और 2 मैच पे फ्लॉप रहे। नमन धीर दोस्तों इस बार दिन चल रहा है दोस्तों, अगर दोस्तों पहले बैटिंग करती है दोस्तों यहां पर दोस्तों कौन, मुंबई, तो नमन धीर को लेकर के जाइए, सेकंड बैटिंग में नमन धीर को बिल्कुल मत ले दिए, नहीं दोस्तों आप धोखा खा जाएंगे दोस्तों। इनके सितारे दोस्तों ग्रीन जोन पर कहीं रेड जोन पर जा रहे हैं। तो दोस्तों हमने पूरी तरह से आपको जानकारी दी, पूरी तरह से जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, हम आपको पूरी तरह से संतुष्ट करने वाले हैं। ऑलराउंडर सेक्शन पर बात कर चुके हैं दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों कहां पर चलते हैं दोस्तों, हम चलते हैं बॉलिंग सेक्शन पर बात कर लेते हैं। तो बॉलिंग सेक्शन पर दोस्तों आप लोगों को जसप्रीत बुमराह को लेकर के चलना, बहुत ही अच्छा योग है उनको, इनके सितारे दोस्तों 7वें आसमान पर है, तो जसप्रीत बुमराह को लेकर के बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है दोस्तों। जसप्रीत बुमराह का दोस्तों बहुत ही अच्छा दिन चल रहा है, उनके सितारे भी ग्रीन जोन पर जा रहे हैं। जसप्रीत बुमराह को जा रही है, एनरिक नाचे को लेकर के जा रहे हैं दोस्तों, ये भी दोस्तों एनरिक नाचे दोस्तों के जातक है, और ब्रेक राष्ट्र वालों का दोस्तों भैया अच्छा दिन है दोस्तों, लाजवाब दिन है दोस्तों, संडे के दिन मैच होने वाला है, तो दोस्तों ब्रेक राष्ट्र के लिए बहुत ही अच्छा, जी कोच जी को लेकर के जा सकते हैं दोस्तों। जी कोच जी आपको 1 या 2 विकेट लेकर के दिखाई दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पर ज्योतिष आंकड़े के द्वारा, तो जी कोच जी को लेकर के जा सकते हैं, 1 विकेट लेकर के जा रहे हैं दोस्तों। अगर ज्यादा रन ना बनते दिखे तो दोस्तों आप लोग जी कोच जी को लेकर के जा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आई शर्मा की बात करते हैं, आई शर्मा दोस्तों आपको 1 विकेट निकाल कर देने वाले, ईशांत शर्मा दोस्तों 1 विकेट निकाल कर आपको देने वाले, आप लोग ईशांत शर्मा को लेकर के जा रहे हैं तो दोस्तों आप लोग दोस्तों एक से अधिक टीम अगर बनाते तभी ईशांत शर्मा को लेकर के जाना, अन्यथा न जाना। एक बार ए माधवाल की बात करें, आकाश माधवाल जो मेघ राज के जातक है दोस्तों, इनका शुभ योग चल रहा है, आकाश माधवाल को बिल्कुल ले लेना दोस्तों, आपका दोस्तों 2 विकेट से 3 विकेट लेकर के आकाश माधवाल देंगे, और दोस्तों ड्रीम टीम जा सकते, हो सके दोस्तों इनको वाइस कैप्टन भी आप बना सकते हैं दोस्तों, आप लोग वाइस कैप्टन भी इनको बना सकते हैं। ए माधवाल तक की बात कर चुके, और भी देखते बात कर लेते हैं दोस्तों, ए माधवाल की बात हो चुकी है, अब ये बात आती है के अहमद खलील अहमद की बात कर लेते हैं, तो खलील अहमद को भी आप लेकर के जाएं, खलील अहमद आपको 2 विकेट लेकर के जा रहे हैं, ज्योतिष आंकड़े के द्वारा हम आपको बता रहे हैं कि जो 2 विकेट लेकर के जाइएगा दोस्तों, खलील अहमद को लेकर के जाइएगा और 2 विकेट पाएंगे दोस्तों, 100% दोस्तों है ये ज्योतिष आंकड़े का दोस्तों प्रसाद है, और बागेश्वर धाम का प्रसाद है। आप लोग फटाफट दोस्तों हमारे दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर को ज्वाइन कर लीजिए, और बागेश्वर धाम सरकार से दोस्तों आप लोग विनती करिए, अर्जी लगवा
रखवाइएगा, अपना अपना नाम भी दोस्तों आप लोग भेज देंगे तो दोस्तों बहुत ही मजा आएगी। और दोस्तों यहाँ आर सलाम का दोस्तों अच्छा योग नहीं बना, केनेक्सा का भी अच्छा योग नहीं बना, तो संपूर्ण जानकारी हमने आपको ज्योतिष आंकड़े के द्वारा बताई। दोस्तों आप लोगों के ज्योतिष आंकड़े के द्वारा हम आपको कुछ टीम डेमो टीम भी देने वाले, जो हमारी फाइनल टीम होगी दोस्तों आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर टॉस होने के 10 मिनट बाद दोस्तों आपको मिल जाती है। वहाँ पर दोस्तों हम 3 दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम और 5 स्मार्ट लीग की टीम के साथ आते हो दोस्तों, आप लोगों को पूरी तरह से स्मार्ट लीग की टीम और ग्रैंड लीग की टीम भी दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों वहाँ पर हम दोस्तों टेलीग्राम पर आपको सूचना देते हैं हम कब कब लाइव आते हैं, ये सूचना भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जहाँ पर दोस्तों हम आपसे दोस्तों चर्चा पर चर्चा भी करते हैं कम से कम 1.5 से 2 घंटे दोस्तों। तो आप लोगों के सामने दोस्तों हम डेमो टीम बनाने जा रहे हैं, 2 प्रकार से टीम बनाने जा रहे हैं, आप लोग देखिएगा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा। एक बार प्रेम से बोल लीजिए बागेश्वर धाम की जय, बालाजी सरकार की जय। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के साथ दोस्तों हम लोग टीम बना के जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर किस प्रकार से हमें टीम बनाना है दोस्तों, पिच लाजवाब है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं दोस्तों पूरी तरह से पीछे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा गुरु आंकड़े देख लेते हैं, गुरु आंकड़े में आप लोग देखते हैं मैच के आंकड़े क्या कह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मुंबई का पल्ला थोड़ा डीसी और मुंबई दोनों ही दोस्तों वीक टीम दिखाई दे रहे हैं, अंक तालिका को लेकर के देखें तो दोनों ही टीम बहुत ही वीक है दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही टीमें बहुत ही वीक है, दोनों ही टीम वीक का मुकाबला है 1-1 दोस्तों। यहाँ पर अभी एमआई ने 1 भी मुकाबला नहीं जीता, बल्कि डीसी ने अपने 4 मैच खेले और 1 मुकाबला जीता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। बैटिंग दोस्तों पिच बैटिंग है, वानखेड़े स्टेडियम पर यह मैच होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर औसत रन 191, कुल विकेट 10 गिरे, जहाँ पेसर्स को 7 और स्पिनर को 3 विकेट मिले। हेड टू रिकॉर्ड दिखे तो एमआई ने दोस्तों 7 मुकाबले जीते, वहाँ डीसी ने 4 जीते, इस लिहाज से दोस्तों डीसी का पल्ला भारी दिखाई देता बिल्कुल नजर आता है। तो दोस्तों और चलते हैं हम लोग टीम बनाते हैं, डेमो टीम होंगी, 2 टीम देने वाले, 1 से होगी 1 रिस्की देगी। तो दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन से दोस्तों हम क्या लेते हैं, एक बार दोस्तों यहाँ पर क्या लेते हैं ऋषभ पंत को लेकर के जाते हैं, दिल्ली के दोस्तों ऋषभ पंत को लेकर के जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तो डेविड वार्नर को ले लेते हैं, रोहित शर्मा को ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर यादव को नहीं छोड़ते, आपकी बार यादव को नहीं छोड़ते, और यादव के बाद दोस्तों तिलक वर्मा को ले लेते हैं, तो 4 खिलाड़ी ले लिया, अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं रिस्क लेते हैं दोस्तों, मिशेल मार्श को ले लेते हैं, और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एच पांड्या को क्या करते हैं, एच पांड्या को ले लेते हैं, एच पांड्या को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम आगे बढ़ जाएंगे, बॉलिंग सेक्शन पर जाते हैं, यहाँ पर हम लेंगे जसप्रीत बुमराह को ले लेते हैं, और जसप्रीत बुमराह के बाद एन आरजे को भी ले लेते हैं, एन आरजे के बाद क्या करते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते, ए माधवाल को ले लेते, आकाश माधवाल को ले लेते, आकाश माधवाल के बाद खलील अहमद को लेकर के आगे बढ़ जाते, हमारी टीम बन जाती है। अब बात आती है दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कप्तान उपकप्तान बनाने की, क्योंकि कप्तान उपकप्तान जिसके गिरफ्त में आ जाते हैं लाखों करोड़ों रुपए वही कमा पाता है, क्योंकि कप्तान उपकप्तान का गणित जो समझ गया वो ड्रीम तो जोन में आ जाता है। यहां पर चलिए दोस्तों बनाते हैं दोस्तों कप्तान उपकप्तान। तो एक बार दोस्तों हम सूर्य कुमार यादव को दोस्तों यहां पर वाइस कैप्टन बनाते हैं, वाइस कैप्टन में दोस्तों हम सूर्य कुमार यादव को ले लेते हैं, कप्तान किसको बनाते हैं हम बताते हैं दोस्तों, यहां पर हमके कप्तान किसको बनाना है तो दोस्तों यहां पर कप्तान हम एम मार्स को बना देते हैं दोस्तों, एम मार्स को दोस्तों कप्तान बना देते हैं, इस बार रिस्क लेते हैं दोस्तों एम मार्स पर, एम मार्स को कप्तान बना करके टीम को हम क्या करते हैं सेव कर देते हैं, टीम हमारी सेव हो रही। अब दोस्तों एक होती है दूसरी टीम हम बनाने जा रहे हैं जो बेहद ही रिस्की होगी, रिस्की टाइम की टीम बनाते हैं, किस प्रकार से रिस्क लेना है दोस्तों, आप लोगों को भी रिस्क लेना है तो आओ लीजिए दोस्तों। आई किशन को लेकर के जाते हैं दोस्तों, आई किशन को लेकर के जाते हैं, बैटिंग सेक्शन पर हम क्या करेंगे हम दोस्तों यहां पर दोस्तों क्या करेंगे रोहित शर्मा यादव में दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे रोहित शर्मा को ले लेंगे दोस्तों, यादव को छोड़ रहे हैं, डेविड वार्नर को ले लेते हैं दोस्तों, यहां पर दोस्तों हम क्या करते हैं तिलक वर्मा को भी ले लेते हैं, तिलक वर्मा के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं और नीचे जाते हैं, यहां पर टी स्टब्स को लेकर के देखते हैं, टी स्टब्स को लेते और देखते हैं दोस्तों, टी स्टब्स को ले लिए और भी हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, टी स्टब्स को लेने पर ऑलराउंडर सेक्शन पर जाते हैं, ए मार्क्स को छोड़ रहे ए अक्षर पटेल को ले ले, अक्षर पटेल के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं एन धुईर को ले लेते हैं, नमन धीर को ले लेते हैं दोस्तों, नमन धीर के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं यहाँ पर एम मार्स को ले लेते हैं। अब बॉलिंग सेक्शन पर जाते हैं दोस्तों, हम अच्छे अच्छे जसप्रीत बुमराह को ले लेते हैं, और दोस्तों यहाँ पर जसप्रीत बुमराह के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं जसप्रीत बुमराह के बाद आकाश माधवाल को ले लेते हैं और खलील अहमद को ले लेते हैं, इस प्रकार से दोस्तों हम टीम बना लेते हैं, खलील अहमद को छोड़ देते हैं, इस बार दोस्तों खलील अहमद को नहीं लेते हम दोस्तों, क्या करते हैं जी कोची या एन आर जे में ले लेते, जी कोची ले लेते, जी कोची को लेकर के टीम बनाते आगे बढ़ जाते। आप बात आती है दोस्तों यहां पर फिर से एक बार कप्तान कप्तान बनाने की, तो आओ चलते हैं दोस्तों कप्तान कप्तान बनाते हैं, बिल्कुल रोहित शर्मा को दोस्तों हम कप्तान बनाएंगे, रोहित शर्मा को दोस्तों कप्तान बनाएंगे, वाइस कैप्टन में हम किसको बनाएंगे दोस्तों आओ चलते हैं दोस्तों, यहां पर हम वाइस कैप्टन के रूप में यहां पर आते हैं जसप्रीत बुमराह को दोस्तों वाइस कैप्टन बना करके टीम को सेव कर देते। इस प्रकार से दोस्तों हमने 2 प्रकार से आपको टीम दी, आप लोगों ने देखा दोस्तों, दोनों टीमें हम आपको दिखाई देंगे दोस्तों, हमने जो टीम बनाई है दोस्तों आप लोग देख सकते
सकते हैं दोस्तों, ये देखिएगा हमारी टीम है दोस्तों, आप लोग पूरी तरह से देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर सेफ टीम है और ये दोस्तों रिस्की टीम है। यहाँ पर रिस्की टीम में 7-4 का अनुपात और सेफ टीम में 6-5 का अनुपात है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, हमारी जानकारी कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिले आपको। सबसे पहले धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, मिलते हैं किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय जय भीम, जय दोस्तों वंदे मातरम। दोस्तों यहां पर एक बार प्रेम से बोल दीजिए, बागेश्वर धाम की जय, जय बालाजी सरकार की जय, जय सन्यासी बाबा की जय, जय हनुमत बाबा की जय, जय बजरंगबली भगवान की जय। दोस्तों